Hello my dear friends and welcome back to Learn English with Bappi sir, and in this video we will learn the voice in English language. What are the voices in English language and when and where they are used? Aji ame dekhma English re voice kana kana ache au kete bele au ken jaga re ame tahake use koru chu je. To voice ro kotha asle ki amar mind nike strike korchi kana active voice au passive voice ro kotha. But se active a kana au passive a kana ame tahake distinguish kende kori parma कितना ही कन्वर्ट करी परमा एक्टिव रो पैसिव रो एक्टिव के से सब हमको सिखवार के पड़वा तो एक्चुअली हमें देखमा बेले वॉइस अमोल लगे किछि नोय से बट किछि नोय से बट सेम को था के कहबार दुटा ओए दुटा जेना मलाय वॉइस अछे कहउछो गुटे कहला हमें एक्टिव आ गुटे के पैसिव जेन कहउछो समान को था के कहबार अमोल लगे कने दुटा ओए तो एक्टिव रे भी जिन को था कहमा जिन मीनिंग अमर बाहर बा सही मीनिंग अमर काना है बा पैसिव रे भी बाहर बा समान सेंटेंस के एक्टिव रे भी हमें जिन मीनिंग बाहर करमा पैसिव रे भी हमें सही मीनिंग बाहर करावार के पड़वा अलगा किसी चेंज करवार के न पड़े जंदा यदि कोहा हला रॉबी रो कथा में यदि कोहला रॉबी प्लेस द गिटार इस जगह रखने को सी रॉबी प्लेस द गिटार रॉबी गिटार बजासी रॉबी गिटार बजासी ध्यान दबो इस जगह रे जितने भी अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसी तार अगर हमको डेफिनेट आर्टिकल दौरो यूज करवार के पड़ सी जितने भी अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखमा आके तार अगर वो डेफिनेट आर्टिकल दौरो यूज करवार के पड़ सी तो इस जगह रे रॉबी गिटार बजासी बोली करी कहा है ला इस सेंटेंस के मैं आउटे वही रे कोई पर मी द गिटार इज प्लेड बाय रॉबी तार मीनिंग क्या है रॉबी प्लेस द गिटार इस जगह भी रॉबी गिटार बजा से इस जगह भी गिटार रॉबी द्वारा बजा जैसे तो इस जगह भी रॉबी क्या कुछ गिटार बजा से इस जगह भी रॉबी गिटार बजा से इस जगह भी रॉबी गिटार बजा से बट डिफरेंस क्या हो दुई सेंटेंस रो भीतर दुई सेंटेंस रो भीतर डिफरेंस क्या हो हमें देखमा इस जगह रे जदी हमें देखमा फर्स्ट सेंटेंस रे हमर जदी देखमा हमें वर्ब की होचे हमर प्लेस वर्ब होचे वर्ब से प्लेस आ वर्ब देखना बेला हमें टेंस इजीली जानी पेवार को ता वर्ब देखुन से टेंस जानी पेसो हमें किन फॉर्म है वर्ब रो बेस फॉर्म से का लागी छे एस तो किन टेंस से हमर एटा प्रेजेंट इनडेफिनाइट जिन मन को ये टेंस आइडेंटिफाई करवा रे डिफिकल्टी ऐसी तार अगर गुडे वीडियो दिया है छे टेंस के अंदर हमें इजीली आइडेंटिफाई करी परमा तो जिन मन ने देखी से वीडियो के फर्स्ट से वीडियो देखी करे लर्न करो टेंस आइडेंटिफाई करवाटा तापर एक्टिव पैसिव देखले इजीली बुझी परबो यदि टेंस रो स्ट्रक्चर नै यानी टेंस जदि गुडे सेंटेंस देखी करे आइडेंटिफाई करी ना परबा तो एक्टिव पैसिव करवाटा इम्पॉसिबल है बुझेला तो ठीक होछे ए जगह देखना हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है वर्ब वाला हमर के प्लेस बट सब्जेक्ट जाय रे की हमर सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमें काना कहसु ओडिया रे कर्ता बोली करी जेंडे कहसु नाम जोग्य और कर्ता नै से इटा के सेंटेंस रे हमको दुईटा मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़सी कंपलसरी है सब्जेक्ट है वर्ब टे मींस काम करबार लागी जोने किंबा कहार बाबद रे जदी हमें इंफॉर्मेशन देमा सेटा लागी से इंफॉर्मेशन देबार लागी जोने हमको दरकार है आओ भोपटे दरकार है काम टे दरकार है जहर बाबद रे हमें कहू छु से क्या काम टा करू छे कि तार ऊपर काम टा हो छे जे तो करता तो हला रोबी जगह रे हमर बाकी काम के करू छे काम भी रोबी करू छे ध्यान दवारो छे इनु काना करता सब बेला काम ना करे करता सब बेला काम ना करे इंग्लिश रे सेंटेंस रे इंग्लिश लैंग्वेज रे करता सब बेला काम ना करे हेति लगे हमको दुटा वॉइस होछे गुटे एक्टिव कहू छु अन गुटे पैसिव कहू छु दुई दिरे डिफरेंस होसे कर्ता गुटे वॉइस रे काम करबा आ गुटे वॉइस रे कर्ता काम न करे कर्ता रो उपरे काम हेबा कर्ता रो उपरे जते बेले काम हेबा आ कर्ता जते बेले काम करबा दुईटा हमर लागि अलग-अलग वॉइस बनि जैसे तो फर्स्ट देखमा हमें ई जगह रे कर्ता काम करू छे कि कर्ता रो उपरे काम हेउ छे जे पहला सेंटेंस रे जे देखमा सब्जेक्ट काम करू छे कि सब्जेक्ट रो उपरे काम होउ छे सब्जेक्ट काम करू छे तो ई काने हमर लागि डुअर है जे काम करबा डू बेले काना करबाटा तो जे काम करबा से ताके हमें डुअर कोई परमा और जगह रे सब्जेक्ट हमर काने डुअर है काम करू छे जगह रे सब्जेक्ट हमर काने डुअर है काम करू छे जगह रे काम रो प्रभाव कहार ऊपर पड़ू छे गिटार रो ऊपर पड़ू छे तो गिटार से हमर लई काना वर्ब रो व्हाट आउ होम रो आंसर जहां मिलसी वर्ब रो
What a homro giant sa means is a object is सदैसे हम लेका ना ऑब्जेक्ट है सी और ऑब्जेक्ट हमें कहो चुका है के जे काम के अमर काना करू छे रिसीव करू छे से एक्शन के जे रिसीव करू छे से एक्शन रो प्रभाव जहार ऊपर पड़ू छे तो ई जगह रे हमर काम रिसीव के करू छे गिटार रिसीव करू छे काम रो प्रभाव कहार ऊपर पड़ू छे गिटार रो ऊपर पड़ू छे तो ई हवा हम लेका ना रिसीवर हवा ई हवा हम लेका ना रिसीवर हवा तो दुई जन पले आसो काम करबार लागी जणे और से काम रो प्रभाव करबार लागी आउटे बोले आसमा पार्ट्स ऑफ पिजाम लगे और सही वार्ड के जन देखु छ गिटार ई जगह रे यूज हिचे पार्ट्स ऑफ स्पीच जन यूज हिचे किसी भी हितो सेटा ई जगह रे काने आमन लगी से रिसीवर है समझ ले काने रिसीवर है तार ऊपर कामटा प्रभाव पकोउ छ तो ई हला रिसीवर ई हला डुअर तो जते बेले अमर काने सी सब्जेक्ट जते बेले अमर सब्जेक्ट डुअर के बनासु आमे जते बेले हमर कहा के डुअर के सब्जेक्ट बनासु से वॉइस के हमें कहसु काना बोले एक्टिव वॉइस बोले से वॉइस के हमें कहू छु काना बोले एक्टिव वॉइस बोले करी तो एक्टिव वॉइस बोले काने जते बेले हमें डुअर के सब्जेक्ट बनामा को हमा जे काम करू छे ताहा के हमें पहला कहमा जे काम करू छे तार बाबत रे हमें यदि कहमा सेटा को हाजबा किन वॉइस बोले एक्टिव वॉइस बोले किछी डेफिनेशन गुचवा गुसवा नेनो सिंपल है जदि जे काम करू छे तार बाबत रे हमें कहला सेटा हाजबा माने किन वॉइस एक्टिव वॉइस नेक्स्ट सेंटेंस जदि देखवा वाला हमर काना आसे ई जगह रे वर्ब काना आसे हमर प्लेट वर्ब रो किन फॉर्म है थर्ड फॉर्म है ईच काना आसे हमर हेल्पिंग वर्ब आसे किन वर्ब रो फॉर्म है ईचटा बी वर्ब रो उठे फॉर्म है ईचटा बुझेला बी वर्ब रो उठे फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है ईच ई जो छे प्लेट होछे बट ध्यान दियो टेंस रो स्ट्रक्चर हमें इतले देखि तला लास्ट क्लास रे आइडेंटिफाई करबाटा टेंस केनते हमें आइडेंटिफाई करि पारो छु केनते आइडेंटिफाई करि पारो छु हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जे देखि करि हैव हैज हैड होछे कि डू डिड होछे कि डज होछे कि विल सेल होछे देखु छु हमें आइडेंटिफाई करु छु तो हमें जते बेले भी देखि तला ईच एम आर वाच वेयर ई सब मान पर से काना लागसी एक्चुअली भी वन प्लस किबा वर्ब रो बेस फॉर्म से काना लागसी ing लागू थला जने कि एक्टिव वॉइस रे कोई परमा बी वर्ब से काना लागसी बेस वर्ब रो बेस फॉर्म रो काना लागू थला ing फॉर्म लागू थला मन नै वर्ब रो बेस फॉर्म से काना लागू थला ing फॉर्म लागू थला बट इटा देखो काना लागी छे इटा केंद्र फॉर्म है बी वर्ब रो उठे फॉर्म है बी वर्ब रो अमर लागी आटा फॉर्म पाई दिला मैं बी वर्ब रो हमें काना पाई दिला आटा फॉर्म पाई देना काना काना होचे बी वर्ब रो आटा फॉर्म तार फर्स्ट फॉर्म जेंडा मैं कहू छु काना इसे हमर लागि फर्स्ट फॉर्म हला बी ईच एम एंड आर सेकंड फॉर्म मैं कहू छु का के वाज वेयर के थर्ड फॉर्म मैं कहू छु का के बीन के फोर्थ फॉर्म मैं कहू छु का के बीन के तो ई बी वर्ब रो आटा जेन फॉर्म होचे ध्यान दियो बी वर्ब रो आटा जेन फॉर्म होचे इता को संगे यदि वर्ब रो थर्ड फॉर्म रहला इता को संगे यदि कान रहला वर्ब रो थर्ड फॉर्म रहला जनरली हमर एक्टिव रे काना होतला बी वर्ब संगे वर्ब रो के फॉर्म रहबा आईएनजी फॉर्म रहबा बी वर्ब संगे वर्ब रो के फॉर्म रहबा आईएनजी फॉर्म रहबा बट पैसिव रे काना हैसी बी वर्ब संगे वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागबा तो एक मुजी करी जानी पारमा आउ किछि भाबान नैनो सीधा वर्ब के देखि गोरे वर्ब के देखि गोरे हमें सेंटेंस दा एक्टिव है कि पैसिव है जानी पारमा एक मुजी करे यदि बी वर्ब संगे काना आसे बी वर्ब प्लस वर्ब रो यदि थर्ड फॉर्म बी वर्ब संगे यदि वर्ब रो थर्ड फॉर्म बोले आसला सीधा कहमा हमें काना पैसिव वॉइस बी वर्ब संगे यदि वर्ब रो केन फॉर्म आसला थर्ड फॉर्म आसला सीधा कहमा हमें काना पैसिव वॉइस है बोली करी तो डिफरेंस काना आसे ई जगह रे देखमा एटा तो वर्ब देखि करी आइडेंटिफाई करला तो ऊपर अमर डुअर के सब्जेक्ट बनाना बेले हला एक्टिव वॉइस ठीक है ता इस सेंटेंस में जो देखमा बेले अमर सब्जेक्ट की है सब्जेक्ट की है अमर गिटार ला अमर सब्जेक्ट है गिटार अमर सब्जेक्ट है बाय इस जगह रे अमर प्रेपोजिशन है और रवि हला काना रवि हला बाय प्रेपोजिशन रो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन रो आके सब बेले हमको नाउन किंबा प्रोनाउन टे लगावार के पड़सी प्रीपोजिशन लागी नाउन प्रोनाउन लगाबार के पड़सी आसे नाउन प्रोनाउन ता तालाई बोली काना हे से हमर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हे से त
तो ए जगह रे रॉबी टाला बाय प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट बुझेला बाय प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट के हला रॉबी हला बट ई जगह रे देखमा हमें ऊपर जंदा देखना काम के करूतला काम रो प्रभाव का ऊपर पडुतला जे डुअर के तिला रिसीवर के तिला जे ई जगह रे डुअर की होचे गिटार डुअर है ए नॉइस ऊपर भी रॉबी ही डुअर तिला इनो भी रॉबी ही डुअर है रॉबी ऊपर भी काम करूतला सेंटेंस रे तलर सेंटेंस रे भी रॉबी काम करूसे तो हमर डोर टा के हला यानी डोर के हला बाय प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट डोर के हला बाय प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट ही होला और रिसीवर टा हमर के हला यानी सब्जेक्ट ही होला रिसीवर टा के हला हमर यानी सब्जेक्ट ही होला सिंपल तो एक्टिव और पैसिव रो भीतर डिफरेंस का है जते बेला डोर के हमें सब्जेक्ट बनामा एक्टिव वॉइस जते बेला हमें रिसीवर के सब्जेक्ट बनामा पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इक्वल्स टू जते बेला का है हम रिसीवर हबा वॉइस जीबा हमर काना पैसिव वॉइस किछि डेफिनेशन मुसवार नै न सिंपल जने से सिंपल कांसेप्ट है डोर यदि सब्जेक्ट हला एक्टिव वॉइस रिसीवर यदि सब्जेक्ट हला पैसिव वॉइस देखुन सर हमें आइडेंटिफाई करि पर मा केते बी वर्ब रो फॉर्म संगे मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म बी वर्ब रो फॉर्म संगे यदि मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागी गला पैसिव वॉइस बुझेला तो वर्ब रो फॉर्म देखि कर हमें इजीली आइडेंटिफाई करि पर मा हमें यदि डुअर रिसीवर के ने भी जान ला बेला बट लॉजिक ता काने एक्चुअली डुअर ऊपर यदि हमें स्ट्रेस दे कर ताहा के सब्जेक्ट बनो छु एक्टिव रिसीवर ऊपर स्ट्रेस दे कर ताहा के सब्जेक्ट बनो छु पैसिव वॉइस बुझेला तो हमें जानला एटा एक्टिव और पैसिव रो भीतर डिफरेंस काना होसे जे बट एक्चुअल यूज हमें केते बेले करसु एक्टिव और पैसिव के एक्चुअल यूज केते बेले हसे कि काना हमें जंदा छोड़ बेले पड़ी आसी छु मुई आम खेसी मोर द्वारा आम खवा जैसे एंदा सेंटेंस हसे से फुटबॉल खेलसी तार द्वारा फुटबॉल खेला जैसे एंदा सेंटेंस हसे के ने हसे केते बेले के एक्चुअल यूज इंग्लिश लैंग्वेज रे पैसिव रो हसे केते बेले हमको इते बेला रिसीवर के नहीं करी कथा कहबार तिसी जेंता कि चोर रो कथा कहबार अछे के उडे एक्सीडेंट हे जे तार कथा कहबार अछे पेशेंट उडे रोड रे पड़ी छे एक्सीडेंट हे गेले तो से तो तार तार हॉस्पिटल के जई ना पारे हमर से तार तार काना हॉस्पिटल के जई ना पारे तो ताहा के उडे नहीं छे हॉस्पिटल के ताहा के उडे हॉस्पिटल के नहीं छे के उडे यदि हॉस्पिटल के नेला सपोज के उडे हॉस्पिटल के नेला तो से जगह रे हेबा काना हमर से जगह रे हबा कना पेशेंट के हॉस्पिटल निया जाई सारी छे पेशेंट के हॉस्पिटल निया जाई सारी छे कि पेशेंट हॉस्पिटल जाई सारी छे रोड दे पड़ी दिला से जाई सारी छे तो हमें कोई ना परु जाई सारी छे यदि कोई दिता वाले काना दिता द पेशेंट हैज गॉन टू द हॉस्पिटल बट से जाई छे के दाता ने जे ताके निया जाई छे कहार द्वारा उठे के उठे ताके नहीं छे तो नहीं छे बने जे नहीं छे से डुअर है जहां के निया दे जे से हमर कने रिसीवर है तो रिसीवर रो ऊपर हमें स्ट्रेस देना पेशेंट के हॉस्पिटल ले आ जाई सारी छे चोर के अरेस्ट करा जाई सारी छे चोर के अरेस्ट करा जाई सारी छे हमें देखमा एक्चुअली काना इंग्लिश लैंग्वेज रे हमर एक्चुअल यूज किन जगह रे हसी पैसिव वॉइस रो आउ केनते हमें से यूज करसु आओ तार संगे संगे हमको एग्जाम रे जते बेला पचराबा चेंज द वॉइस पचराबा चेंज द वॉइस पचराबा एक्टिव रे दे दिबा पैसिव करवा के पड़वा पैसिव रे दे दिबा एक्टिव करवा के पड़वा आ सेटा सॉल्व करवा लागि हेले हमको जानबार के पड़वा आइडेंटिफाई करवा के पहला फर्स्ट सेंटेंस रो टेंस काना आछे जे केन टेंस रे ओछे जे सेंटेंस कहने बेला हमको वर्ब चेंज करवा के पड़वा जेन भी वर्ब रे तो वर्ब रो मेन वर्ब के हमको तार थर्ड फॉर्म के अनबार के पड़वा और जेन टेंस रे दिबा सही टेंस हिसाब है हमको बी वर्ब रो गुटे फॉर्म पुट करवा के पड़वा जेन टेंस रे दिबा सही टेंस हिसाब है बी वर्ब रो गुटे फॉर्म हमको काना करवा के पड़वा पुट करवा के पड़वा ए जगह रे तो यदि हमें टेंस आइडेंटिफाई करी ना पाला वॉइस हमें चेंज करी ना पारो तो यदि लाइक टेंस आइडेंटिफाई करवाटा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कहते लागी वॉइस जानबार लागी हेले हमको बुझेला तो हमें चेंज भी करी परमा वॉइस के एक्टिव रूप के पैसिव रूप एक्टिव के तार संगे संगे स्पॉट दो एरर रे भी दे पारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट रे भी हमको दे पारे बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हला ए जगह रे काना हमको देखबार अछे सब्जेक्ट डुअर है कि रिसीवर है जे भी सब्जेक्ट डुअर है कि रिसीवर है जे से जगह रे रिसीवर अछे कि नहीं नो जे सेंटेंस रे कहे काना है दिस हमको रिसीवर ने भी देते
রিসিভার নেভিতে রিসিভার নে দেলে কানা অবজেক্ট নে থে বি সেন্টেন্স রে আমার বোটে সেন্টেন্স আছে অবজেক্ট নে থে সে জায়গা রে বুঝিলা অবজেক্ট নে থে সাবজেক্ট অবজেক্ট যদি নে জানবার সাবজেক্ট অবজেক্ট যদি আইডেন্টিফাই করবার রে ডিস্টিংগুইশ করবার রে যদি কিছু বি মুশকিল হচ্ছে তো জেন মান কো ডিফিকাল্টি হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট জানবার রে কমেন্ট করো মই তাহাকো অলগা ভিডিও বনে করি দেই দেমি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট আমি কেনতে জানি পারমা ইজিলি গোটে সেন্টেন্স রে ডুয়ার রিসিভার আমি আউ ডিটেইলস রে কেনতে জানি পারমা যে আর টেন্স আইডেন্টিফাই করবারটা গোটে ভিডিও রে দিয়া আই সারি সে অলরেডি তো টেন্স আইডেন্টিফাই সবে করি পারবার কথা টেন্স যদি আইডেন্টিফাই করি না পারলা অ্যাকটিভ রূপে সি আমি করি না পারো তো নেক্সট ভিডিও লে সবে দেখমা আমি কি ইচ টেন্স র আমি অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ কে নেই করি পারমা ও প্যাসিভ রু অ্যাকটিভ কে নেই করি পারমা মিন্স প্রেজেন্ট র দেখমা ইনডেফিনাইট র প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চারি দিটা আমি কেনতে অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ করি পারমা পাস্ট র দেখমা চারি দিটা কেনতে অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ করি পারমা ফিউচার র দেখমা চারি দিটা অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ কেনতে করি পারমা তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে আমকু শিখবার আছে কারণ যদি মোডাল ভব আছে তার আমি অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ কেনতে করমা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে তার আমি অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ কেনতে করমা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে তার আমি অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ কেনতে করমা তো সবু শিখমা ধীরে ধীরে করি বাট ফার্স্ট হলা মোর রিকোয়েস্ট আপন মানকো কি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট সেন্টেন্স রে চিনবাটা ডুয়ার রিসিভার চিনবাটা আর তার সঙ্গে সঙ্গে টেন্স আইডেন্টিফাই করবাটা শিখবার কে পড়বা আর সেটকি বেল তো আমি পজ নেমা আর নেক্সট ভিডিও রে শিখমা আমি টেন্স কে কেনতে সবু টেন্স র সেন্টেন্স কে আমি অ্যাকটিভ রু প্যাসিভ আর প্যাসিভ রু অ্যাকটিভ করিবার মানে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই